क्रिएटिव विद कोमल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जन्माष्टमी स्पेशल है। आज मैं आपको बाल गोपाल जी की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बाल गोपाल जी की पगड़ी पुराने वेडिंग कार्ड से बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक पुराना शादी का कार्ड लेंगे। इसके एक कोने पर हम 10 सेंटीमीटर की लंबाई और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेंगे। इस तरह हमें एक रेक्टेंगल शेप मिल जाएगी। अब हम इसे कैंची की मदद से काट देंगे। काटने के बाद हमें ये एक 10x2 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल मिल जाएगा। दिखाए गए तरीके के अनुसार इसे फोल्ड करेंगे और फेविकोल या ग्लू की मदद से हम इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इसे कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। हम एक और पेपर लेंगे जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर लेंगे और इसकी चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह हमें ये एक 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। इसे भी हम कैंची की मदद से काट देंगे। अब हम इसे दिखाए गए तरीके से मोड़ना शुरू करेंगे। हमारा पूरा पेपर फोल्ड हो चुका है। अब हम इसके मिड पार्ट में से इसे हाफ फोल्ड कर देंगे। फेविकोल की मदद से हम इसे चिपका देंगे और कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हमारी पगड़ी के दोनों पार्ट्स बन चुके हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। हमारी पगड़ी की शेप तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम इसके डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं। मेरे घर पर ये कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। डेकोरेशन का काम पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। आपके घर पर जो भी सामान अवेलेबल हो, ये बाल गोपाल जी की पगड़ी डेकोरेट कर सकते हैं। आप डेकोरेशन के काम में अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। हमारे डेकोरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है और आप देख सकते हो कि हमारे बाल गोपाल जी की कितनी सुंदर पगड़ी तैयार हुई है, और वो भी घर पर रखे शादी के कार्ड से। आप अलग अलग रंग के शादी के कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं और बाल गोपाल जी की पगड़ी अलग अलग रंग की बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप ऐसी और क्रिएटिव वीडियोस देख सके। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।